शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनिजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए। अनिजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। हारे के सहारे की जय, बालाजी महाराज की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय। और आज मैं ग्वालियर यानी के ग्वालियर के प्रसिद्ध देवी मंदिर और तिगरा रोड पर स्थित है जय मां काली भैपुरा वाली मंदिर पर, यानी कि तिगरा गोलपाड़िया से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर। जब हम तिगरा बांध की ओर चलते हैं 9 किलोमीटर की दूरी पर है जय मां काली भैपुरा वाली माता का ये मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर। सभी ग्रामवासी बहुत मानते हैं माता को और सभी ग्रामवासी यहाँ पर आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ मैं जय मां काली भैपुरा वाली। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आता है तिगरा की ओर से, यानी कि झंडापुरा से मात्र 200 मीटर आगे आप जैसे ही चलेंगे तो राइट हैंड पर आपको बोर्ड लगा दिख जाएगा जय मां काली भैपुरा वाली। चलिए आपको लेकर चलता हूँ मैया के धाम पर। और इस वक्त अभी मैया के धाम पर श्रीमद् भागवत कथा का भी कथा चल रही है और अब आपको लेकर चलता हूँ जय मां काली भैपुरा वाली। और ये सभी चरण सेवक लगे हुए हैं अभी माता के, और यहाँ पे यहाँ से माता के मंदिर का रास्ता चालू होता है और यहाँ पर दुकानें भी, प्रसादी की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर माता को क्या चढ़ाया जाता है वैसे ज़्यादातर? नारियल, नारियल प्रसाद, नारियल बतासे और नारियल बतासे करो जी, प्रसाद चढ़ता है, धूपबत्ती वगैरह, धूपबत्ती दीपक और आपकी श्रद्धा और सामान सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, क्या नाम भैया आपका? रामनिवास कुशवाहा। आप कब से यहाँ पर दुकान? दुकान तो अभी 3 साल हुई है। वैसे मैया की श्रद्धा तो मतलब जागृत तो 12-13 साल हो गए, 12-13 साल हो गए यहाँ पे मंदिर को। और ये माता का ये सुहाग का सामान भी यहाँ पे मिलता है दोस्तों। और अभी यहाँ पर भागवत कथा शुरू हो चुकी है और अभी ये बैनर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं भागवत कथा की। भागवत कथा कब से शुरू हुई है भैया? कल से शुरू हो गई है, 23 मार्च से चालू हुई है, 23 मार्च से और 31 मार्च को खत्म होगी। जिस दिन दशमी पड़ती है मैया का मेला रहता है, मैया का मेला 31 मार्च को रहता है। उस दिन भंडारा भी है, विशाल भंडारा भी है। क्या नाम है आपका भैया? रमाशंकर जी। और आप? केशव कुशवाहा। और आपका? सरवजीत। और आपका? बलजीत सिंह। ओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोतीराम कुशवाहा। मोतीराम कुशवाहा जी। हाँ, ये मोतीराम कुशवाहा जी अभी ऊपर चढ़े हुए हैं। हाँ, अभी माता की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप लोग कब पूरी तैयारियां चल रही हैं? चरण सेवक हैं आप माता के? मैया के सेवक हैं और पूरी तैयारियों के साथ लगे हुए हैं। बोलो भैपुरा वाली मैया की जय। चलिए अब आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये रास्ता जो जाता है ये सीधे भैपुरा वाली मैया के ये मंदिर के धाम तक चल रहे हैं और चलिए आपको दर्शन कराता हूँ मैया के। और दोस्तों अब यहाँ पे मंदिर पर पहुँच चुका हूँ भैपुरा वाली मैया माँ काली के मंदिर पर। और ये मंदिर का ये द्वार है। अभी यहाँ पर भागवत कथा शुरू हो चुकी है और भागवत कथा का रसपान करते हुए सभी श्रद्धालु। चलिए आपको दर्शन कराता हूँ मैया के, भैपुरा वाली मैया माँ काली मैया के दर्शन। और दोस्तों अब आपको दर्शन कराते हैं भैपुरा वाली मैया माँ काली के दर्शन, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। ये ग्वालियर से मात्र गोलपाड़िया से 9 किलोमीटर की दूरी पर है भैपुरा की प्रसिद्ध काली मंदिर। आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं माता के दर्शन आप कर रहे हैं और जो भी आपकी मनोकामना है मांग लीजिए मैया से। जो घर बैठे लोग देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, माँ के दर्शन कीजिए और मैं भी माँ के दर्शन कर रहा हूँ। बोल काली मैया की जय। बोल भैपुरा वाली मैया की जय। बोल करौली वाली मैया की जय। बोल की जय।
और आप दर्शन कर रहे हैं भैपुरा वाली मैया के दर्शन। जो भी आपकी मनोकामना है मांग लीजिए। लगभग 14 वर्ष पुराना ये मंदिर और माँ काली का भैपुरा वाली मैया ये प्रसिद्ध देवी मंदिर झंडापुरा से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है तिगरा रोड पर, और गोलपाड़िया से 9 किलोमीटर की दूरी पर है भैपुरा वाली काली मैया का ये मंदिर। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है, मैं मैया का यहीं का सेवक हूँ। अच्छा, आप सेवक हैं? हाँ, मैया के। तो मैया कौन कौन से कष्टों का निवारण करती हैं? और वैसे तो सभी कष्टों का निवारण करती हैं मैया रानी, और कौन कौन सी अर्जी लेकर आते हैं सभी ग्वालियरवासी यहाँ पर? जैसा कि आप जानते हैं, वैसे मैया के लिए तो कोई भी काम छोटा नहीं है। सभी काम मैया के लिए तो एक से एक काम भी वो कर सकती हैं। छोटे से लेकर बड़े काम भी मैया के यहाँ किए जाते हैं। अगर किसी के बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो वो भी अर्जी अपनी लेकर आते हैं, और किसी की किडनी भी ख़राब हो जाती है, बाल वगैरह ख़राब हो जाते हैं, पेट की समस्याएं होती हैं, जो भी सभी बीमारियों का निवारण यहाँ मैया के यहाँ किया जाता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है यहाँ पर मैया का इलाज ना किया गया हो। प्रतिदिन अर्जी होती है यहाँ सुबह से शाम तक? प्रतिदिन अर्जी होती है रेगुलर। और कौन से दिन ज्यादातर श्रद्धालु आते हैं? वैसे मैया का मेला रहता है महीने में दसवीं का, मावस्या के 10 दिन बाद मैया का मेला दसवीं का रहता महीने, हर महीने। इसमें डेट फिक्स नहीं रहती है, जब दसवीं पड़ेगी तब मेला रहेगा। दसवीं मार्च का है अगला जो मेला है, जो 31 मार्च का पड़ेगा। आगे भी जो मावस के बाद में जो दसवीं पड़ेगी उसको मैया का मेला लगेगा, उस दिन मैया का मेला लगेगा दसवीं वाले दिन। जी जी। और उस दिन 31 तारीख को विशाल भंडारा, विशाल भंडारा भी है 31 तारीख का, विशाल भंडारा है। हाँ, भागवत कथा मैया के यहाँ पे दसवीं वाले दिन लगभग 1 लाख से ऊपर जनसंख्या यहाँ पे उपस्थित होती है मैया के, दसवीं वाले दिन मैया के दर्शन करने के लिए। मैया के दर्शन करने के लिए 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। कोई बात नहीं, समस्या व्यवस्था भी अच्छी रखी जाती है। हाँ, सारी व्यवस्था है, चाहे 50 वर्ष ही लेडीज हो उसी को बच्चा, चाहे टू बंद, चाहे किडनी नहीं हो, बच्चा दानी नहीं हो, नहीं डाल रही वो तो मैया के लिए। अगर मैया जी आदेश कर दे हमारे गांव के लड़के के लिए, चाहे वो छोटा सा भी हो, मैया ने बोल दिया बेटा ऐसा काम होना है, तो वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। वो सबसे ज्यादा कैंसर का इलाज की मैया के जान, शुरू से। अगर आप कैंसर पीड़ित हैं या कोई भी आपको बीमारी है या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार आइए ये गोलपाड़िया से, यानी कि लश्कर से जैसे ही आप चलेंगे गोलपाड़िया के लिए, तिगरा डैम के लिए, तो गोलपाड़िया से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है भैपुरा वाली काली मैया का ये मंदिर। आइए और अपनी अर्जी लगाइए। महीने की दसवीं पर यहाँ पर मेला लगता है, और किसी भी दिन हफ्ते में किसी भी दिन आ सकते हैं। अगर आप पे कोई भी कष्ट है या आपकी मनोकामना नहीं हो रही है या आप, हाँ, आपकी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आइए यहाँ पर भैपुरा वाली मैया सभी की अर्जी सुनती हैं और सभी की अर्जी पूरी करती हैं। बोलो काली मैया की जय, बोल भैपुरा वाली मैया की जय, बोल काली वाली मैया की जय, बोल मंगला केरे की जय। और भैया एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर, ग्वालियर का नंबर 1 मॉल है अनेजा मॉल ग्वालियर, मोर बाजार ICICI बैंक के ठीक बगल में महाराज बाड़े पर, उनकी तरफ से एक आपके लिए भी दादाजी अनेजा मॉल की ओर से, और एक आपके लिए अनेजा मॉल की ओर से, और भगत जी एक आपके लिए भी अनेजा मॉल की ओर से, और एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल की। बोलो काली मैया की जय, बोल भैपुरा वाली मैया की जय। और दोस्तों मेरे साथ में मौजूद हैं भगत जी महाराज और मैया रानी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और चंद्रमा जी आपका स्वागत है। सब हम 9 दिन तक पूरे चंबल संभाग के देवी मंदिरों के दर्शन घर बैठे लोगों को करा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और इंस्टाग्राम और टीवी पे, तो सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, तो सबको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद तो देते अपन जनों मिल नहीं आए, बिना आशीर्वाद अपन जहाँ तक आ ही नहीं पाते। जब दुर्गा को आशीर्वाद है वह, तब सब लोग अपन देख रहे हैं, अपन दिख रहे हैं,
और सब लोग यहाँ करते थे, तुम जहाँ मैया का आशीर्वाद तो आई हो, पहले ये बताओ तुम्हें जहाँ आगे कैसा अनुभव हुआ? अच्छा, तो ये मैया सबको अच्छा ही जो करते हो, कोई परेशानी है सब एक लंग से आके दियो बताओ, और चाहे बस साठ बस ही टुकई जाओ ले मोड़ा तो ले कैंसिल पसरी हटा बताओ। मेरे साथ भगत जी यहाँ पर मौजूद हैं, और भगत जी और कौन कौन सी परेशानियाँ लेकर ज़्यादातर भक्त आते हैं यहाँ पर? ये दुर्गा का दरबार है और ये दुनिया में सभी समस्याएं हैं और इस दुर्गा पर सभी समस्याओं का निदान है, सभी समस्याओं का ये कोई नहीं है, ये तो दिव्य शक्ति है, इसके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, तुच्छ होती है, कड़ होते हैं, ऐसे हैं उसके लिए समस्या आते हैं। तो एक अरबों की संख्या में बीमारी फैली हुई है तो खरबों की संख्या में अपार शक्ति इसके पास दुर्गा के पास है। तो ऐसे किन किन व्याधाओं को मैं तुम्हें बताऊं कि इंसान किस समस्या को यहाँ लेके आता है, मतलब सभी सभी समस्याएं दूर, सारी समस्याओं का समाधान है। माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, बस माँ को भूलिए नहीं और माँ के चरणों में ध्यान रखें, माँ के चरणों में ध्यान रखें, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बस ऐसा है। जैसे बोलते ना कोई भक्त भगवान की ओर एक कदम रखता है तो भगवान उसके लिए 100 कदम रख देता है, ऐसे ये दुर्गा का चमत्कार अद्भुत नया हुआ है। जैसे कोई एक बार सोचता है, मैया उसके लिए 1000 बार सोचती है कि इसकी सारी मनोकामना पूरी कर देती है एक बार में, पर उसे ज़रूरत है मैया के चरणों तक आने की, बस वो आ गया वो पा गया, तो जो नहीं आया वो घर बैठा पछता रहा। क्या बोलो, भैपुरा वाली मैया की जय। एक आपके लिए मैं देना चाहूँगा, अनेजा मॉल ये मोर बाज़ार में स्थित है और महिलाओं के बहनों के लिए और बहुत सारे कपड़े यहाँ पर वैवाहिक फंक्शन के सारे कपड़े यहाँ पर अवेलेबल हैं, और अनेजा मॉल की ओर से एक आपके लिए, और एक आपके लिए है जिला पंचायत सदस्य शिवराज सिंह यादव जी की ओर से एक आपके लिए मिठाई का डिब्बा एक आपके लिए। पानी में ज्योति जलाई अरे जोला माई, पानी में ज्योति जलाई अरे जोला माई, कौन रजन की बेटी कहीं है, कौन रजन की बेटी कहीं है, कौन पुरुष घर ब्याई अरे जोला माई, मैया कौन पुरुष घर ब्याई अरे जोला माई, पानी में ज्योत जलाई अरे जोला माई, माचल की बेटी कहीं है, माचल की बेटी कहीं है, शिव शंकर घर ब्याई अरे जलाई, माचल ने जग रची है, माचल ने जग रची है, सब देवा बुलवाए अरे जलामा ई मैया, सब मैया रानी की जय। एक माता जी एक आपके लिए है, अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से एक आपके लिए, और एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से। और भाभी जी आपने दरबार में एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, और यहाँ पर महिलाओं के बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, और अगर आप खरीदारी करने जाएंगे ना मेला महोत्सव का नाम लेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। अनेजा मॉल ग्वालियर मोर बाजार के ठीक बगल में है अनेजा मॉल से, और एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर से, और एक आपके लिए भी अनेजा मॉल ग्वालियर से, और माता जी एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर से। एक मिनट ऐसे ही खड़े रहना, अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है आपको? उषा। आप कहाँ से आए हो आप सब? रामदास काठी से। रामदास काठी गवाली गवाली। मैया के दरबार में तो मैया का कोई भजन हो जाए या फिर भेंट हो जाए। बोलो बेपरवारी काली मैया की जय। तुम्हारे दरबार में मैया नहीं कोई कमी देखी, तुम्हारे दरबार में
के अंधेरों में पले गम के अंधेरों में कोई पर ये कड़ी हो रहा है पले गम के के लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से यहाँ पर महिलाओं के बहुत अच्छे पाइनियर लहंगे साड़ियाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर और बाजार से और एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर से और इंस्टाग्राम वाले लहंगे यहाँ पर अवेलेबल है इंस्टाग्राम वाली साड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल है एक आपके लिए अनेजा मॉल से एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से और एक आपके लिए अनेजा मॉल से। शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनेजा मॉल पर क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा ब्राइडल साड़ी पार्टी वेयर गाउन एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए अनेजा मॉल अपोजिट गांधी मार्केट नियर ICICI बैंक मोर बाजार लश्कर ग्वालियर।